अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो रहा है। इतने प्यारे मौसम में हम अपनी पसंद की चटपटी चीज़ें तो बना ही लेते हैं, तो क्यों ना आज बच्चों की पसंद की चॉकलेट केक बनाया जाए। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा स्पंजी केक बनेगा। आज हम चॉकलेट बेसिक स्पंज बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे की नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इससे डिज़र्ट्स और इसकी फ्रॉस्टिंग और बहुत सी चीज़ें बनाना बताऊंगी। और ये स्पंज केक बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप बेकरी से लेते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी। आपने रेसिपी को फॉलो करना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ले लेंगे 4 अंडे, लेकिन हम सेपरेट तोड़कर और फिर एक एक करके मिलाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता अंदर से कहीं एकदम ख़राब निकल जाए तो बाकी के एग्स भी ख़राब हो जाएंगे। एक बोल में सारे एग निकाल लेंगे। इस रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो सब हम ग्राम्स में वेट स्केल से नाप के और फिर यूज़ करते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इनको प्रॉपर नाप के और मेजरिंग स्पून और कप से फिर बताया। अब इसमें जाएगी शुगर, लेकिन हम एकदम से पूरी शुगर नहीं डाल देंगे। इसे बीट करते हुए थोड़ी थोड़ी करके 4-5 दफ़ा में फिर डाले। हमने घर की दानेदार शुगर ली है। आप बारीक वाली जो कैस्टर शुगर होती है वो भी ले सकते हैं, उससे जल्दी बीट हो जाएगा, लेकिन इसमें पिसी हुई चीनी घर की नहीं डालेगी। हमें इन एग्स को जब तक बीट करना है जब तक ये अपने साइज से डबल ट्रिपल ना हो जाए और बहुत फ्लफ़ी, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा और सारी शुगर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे तो पूरी इसके अंदर घुल जाएगी। इन एग्स को तकरीबन 5-6 मिनट हमने बीट किया है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुके हैं, बिल्कुल इनकी शक्ल चेंज हो चुकी है। अब हमें बीटर को कर देना है बंद, आप देख सकते हैं इसको, और अब हमें एक स्पैचुला ले लेना है और अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब इसमें ऐड करने हैं। अब सबसे पहले हम एक छन्नी ले लेंगे, उसमें आप मैदा डालेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। आप डार्क भी ले सकते हैं और नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, हमने यहाँ नॉर्मल वाला ही लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और अब इन सब चीज़ों को हम इसमें छान लेंगे। और अब इस बैटर को हम फोल्ड करेंगे। इसे आपको बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना या ओवर मिक्स नहीं करना। अगर आप इसे ओवर मिक्स कर देंगे तो फिर आपका केक बैठ जाएगा, वो इतना स्पंजी और फूला हुआ नहीं बनेगा, वो बैठ जाएगा। और अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून। हमने यहाँ लिक्विड वाला एसेंस लिया है, आप चाहें तो पाउडर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा ऑयल 2 टेबल स्पून और अब हमें इसे हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है। चलें जी, हमारा ये केक बैटर बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल सही ज़बरदस्त सा हो गया है। अब हम इसके लिए एक केक टिन ले लेते हैं। ये हमने 7-inch पैन लिया है और अब हम इसे ऑयल ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें एक पार्चमेंट पेपर लगाएंगे। पार्चमेंट पेपर लगाने से ये होता है कि आपका केक नीचे से चिपकेगा नहीं, वो इजीली बाहर निकल आएगा केक पैन से। और अब हम इसमें अपना केक बैटर डालेंगे।
सारा बैटर डालने के बाद अब हम इस पैन को थोड़ा सा 2-3 दफ़ा टैप 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 करेंगे ताकि जितनी भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद हम इसे 180 सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे 25-30 मिनट्स तक। आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, तो इतने ही टाइम में आप इसे बेक करेंगे। चलें जी, हमारा केक तैयार हो गया है और बहुत अच्छा माशाल्लाह ये बेक हुआ है। हमने टूथपिक इंसर्ट करके देखा था, 3 बार आ गई है, तो इसका मतलब है ये कम्प्लीटली बेक हो चुका है। अब हम इसे इस टिन पैन से बाहर निकालेंगे। और नीचे जो बेकिंग पेपर हमने लगाया था वो हमने हटा दिया है, और आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा फ्लफी सा बना है, बहुत अच्छा स्पंजी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फीडबैक देना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप